श्योपुर जिले में नहीं थम रहा है रिश्वत का कारोबार। प्रदेश उपाध्यक्ष बृजराज सिंह बोले, रिश्वतखोरों से बीजेपी सरकार हो रही है बदनाम। निलंबन कोई दंड नहीं, इन पर एफआईआर दर्ज हो, सेवा समाप्त हो। खबर श्योपुर से है, जहां इतने सख्त कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक पदस्थ होने के बावजूद भी विभागों में रिश्वतबाजी रुकने का नाम नहीं ले रही है। सरकारी विभागों के कर्मचारी अधिकारियों की रिश्वत के कारनामे कुछ ज्यादा ही सामने आने लगे हैं। कभी पंचायत, कभी तहसील, तो कभी पुलिस के कामों के लिए मांगी जा रही है रिश्वत। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष बृजराज सिंह बोले, खुलेआम रिश्वतबाजी वीडियो वायरल होने पर अधिकारी द्वारा संबंधित को सिर्फ सस्पेंड करना केवल मुद्दे से ध्यान भटकाना है। जब रिश्वत लेते हुए वीडियो है तो इन पर एफआईआर होनी चाहिए, इनकी सेवा समाप्त होनी चाहिए। कलेक्टर एमपी को इन रिश्वतवाज अधिकारी कर्मचारियों पर सख्त एक्शन लेना चाहिए। इन सबसे बीजेपी सरकार की छवि कलंकित हो रही है। वहीं कुछ रिश्वत के मामले तो वीडियो बन जाने की वजह से सामने आ जाते हैं, मगर जिले भर में ऐसे न जाने कितने मामले हैं जो सामने नहीं आ पाते हैं, क्योंकि हर विभाग में आम इंसान का कोई भी काम बिना लेन देन के नहीं होता है। अभी हाल ही में श्योपुर कोतवाली में पदस्थ प्रधान आरक्षक अजय दोहरे का रिश्वत मांगते हुए वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वे रिश्वत की रकम में से टीआई तक को देने की बात कहता नजर आ रहा है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक आनंद ने प्रधान आरक्षक अजय दोहरे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है और जांच भी बैठा दी है। मगर क्या सिर्फ सस्पेंड कर देना इन रिश्वतखोरों के लिए काफी है, क्योंकि कुछ दिन बाद बहाल होने के बाद फिर यही रिश्वत का खेल खेला जाएगा। देखिए श्योपुर से संवाददाता अमित कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। चलो वो मैं बना, मैं बना ये मैकेनिक जांच करवाएंगे। ₹1,000 दिक्कत विक्कत नहीं होगी ना अपन को? हाँ बस तो होगी, क्योंकि अब मैं जिसमें से मैं क्या टीआई दूंगा, क्या टीआई दूंगा, क्या मिलूंगा, क्या एक्स्ट्रा डायरी खर्चा करूंगा? कर लेना आप तो, 1,000 देखो, 1,500 वाले लेते हैं। थाना कोतवाली में पदस्थ प्रधान आरक्षक अजय दोहरे का एक वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आया, जिसमें उसके द्वारा पैसे के लेन देन के संबंध में बातचीत की जा रही है। वह पैसे भी हाथ में पकड़े हुए, मामला संज्ञान में आते ही इसमें प्रधान आरक्षक को तत्काल निलंबित कर दिया गया। साथ ही इसमें जाँच के आदेश भी दिए गए हैं। इसमें जो जाँच पर जो मामले सामने आएंगे उसके हिसाब से वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।